एसडीएम अभिजीत ने शांतिली समिति बैठक। बैठक में श्री सिंह बोले होली के पर्व को भाईचारे के साथ मनाएं। खबर आई है जतारा से। नगर के थाना कस्बे में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिकारियों ने आवश्यक निर्देश दिए। जानकारी देते हुए एसडीएम अभिजीत सिंह ने बताया कि शुक्रवार को संध्या समय होली के पर्व को लेकर बैठक ली गई, जिसमें नगर के गणमान्य लोग से सुझाव लिए गए। वहीं संबंधित अधिकारियों को नगर के लोगों ने अन्य समस्याओं संबंधित जानकारी दी, जहां नगर की समस्याओं को गंभीरता लेते हुए निराकरण करने हेतु आवश्यक निर्देशित किया गया। इस प्रकार नगर के लोगों ने सीसीटीवी कैमरा अब डीजे जैसी विभिन्न समस्याओं को प्रतिबंधित अब नगर के लगे कमरों की मरम्मत करने हेतु बात कही। वहीं एसडीएम अभिजीत सिंह ने नगर के लोगों से अपील करते हुए होली जैसे विभिन्न पर्व को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाने हेतु सभी से अपील करते हुए मिलकर प्रशासन का सहयोग करने हेतु बात कही। इस प्रकार तहसीलदार, एसडीओपी, नगर परिषद अध्यक्ष, बिजली विभाग से माथुर जी सहित अन्य आला अधिकारियों ने लोगों के समक्ष अपनी बात रखते हुए आगामी पर्व पर शांतिपूर्ण रखने संबंधित अपील की। हर पर्व को हमें अपने अंदाज से मनाना है। इस मौके पर नगर के सैकड़ों लोगों मौजूद रहे। आइए क्या कहते अधिकारी एसडीएम अभिजीत सिंह। वही जतारा एसडीओपी जी का कहना। न्यूज जतारा से मनीष दुबे, सागर सोनी की रिपोर्ट। सारा शांति समिति बैठक आयोजित की, किस संबंध में बैठक हुई, क्या क्या हुआ सर, क्या निर्देश दिए गए सर बैठक? आज नगर जतारा में मार्च माह में आगामी त्योहारों के लिए शांति समिति की बैठक का आयोजन थाना प्रांगण जतारा में किया गया, जिसमें विभिन्न समाज और धर्मों के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और आम जनता के लोग उपस्थित रहे, विभिन्न पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। आज ये शांति समिति की बैठक जो आयोजित की गई वो आगामी दिनों में दिनांक 7 तारीख को और दिनांक 8 तारीख को, जो दोनों समुदाय और दोनों समाजों के और विभिन्न वर्गों के और विभिन्न धर्मों के त्यौहार मनाए जाने हैं, उस संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। विशेष रूप से होली को लेकर लोगों से सुझाव प्राप्त किए गए और निर्देश दिए गए कि इसको जो है शांति रूप से बनाना है, और शासन प्रशासन की जो है चाक चौबंद जो है विभिन्न चौराहे पर और पब्लिक प्लेस पर पुलिस प्रशासन की नियुक्ति तैनाती की जाएगी, और बड़ी शांति से पर्यावरण को देखते हुए इस त्यौहार को, रंगों के त्यौहार को मनाना है। बैठक आयोजित की गई, बैठक किस संबंध में, क्या निर्देश दिए गए या पुलिस प्रशासन द्वारा क्या इस पर पहल की जाएगी सर? जैसा कि आपने बताया, शांति समिति की मीटिंग थी, नाम ही स्पष्ट कर रहा है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बिगड़े ना, इसके लिए मीटिंग बुलाई थी। और मीटिंग में जो भी यहाँ के सम्माननीय भद्र जन लोग हैं उन सबसे सुझाव साझा किए गए हैं, कैसे आगामी त्यौहार यहाँ की जनता मनाती है वो जाना गया है। उस संबंध में जहाँ भी जो बल पुलिस बल तैनात करना होगा वो तैनात करेंगे, और हमारा ये उद्देश्य है कि पूर्णतः सुरक्षित और शांतिप्रिय खुशहाली तरीके से होली का त्यौहार मनाया जाए।